हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रूमन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरा पंजाब में लास्ट डे है, नॉट दैट टाइप। मेरी अभी थोड़ी वैकेशन चल रही है, समर वैकेशन चल रही है, तो मैंने सोचा कि घर से थोड़ा घूम के आते, क्योंकि मैं डेढ़ साल से घर नहीं गई। तो अभी मैं अचानक से जा रही हूँ मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने के लिए। उनको पता भी नहीं है कि मैं जाने वाली हूँ। तो अब मैंने बहुत पहले टिकट करके रखा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं जाऊँगा, अगर मौका ना मिले तो मुझे टिकट कैंसिल कर देना पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे मौका मिला है। तो अभी मैं कुछ दिनों के लिए जाने की सोची हूँ, तो शायद मैं ईद में अपनी मम्मी के मतलब अपने घर पे करके आऊँगी बकरी जो है, तो उसके लिए कल मेरी टिकट है। तो आज मुझे सारा कुछ पैकिंग करके, सारा सामान पैक करके जाना पड़ेगा। तो अभी मेरी क्लास चल रही है, प्रैक्टिकल क्लास। अब उसको ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा काम है बाहर से, कल की प्रिपरेशन लेनी है थोड़ी सी। तो चलो गाइस, आप लोग भी चलो देखो मैं क्या क्या करती हूँ बाहर। और आज लास्ट डे है, तो मैंने सोचा कि पंजाब का खाना एक महीने तक तो नहीं मिलेगा, तो सोचा आज बाहर से ही थोड़ा खाना वाना खा के लेते हैं। तो मैंने लंच में बिरयानी खाई थी, यहीं की बिरयानी, जो कि मुझे पसंद नहीं आता इतना। यहाँ हमारे वहाँ जैसे इतने अच्छे बिरयानी नहीं मिलते, ना ही यहाँ की बिरयानी में खुशबू होती है, ना खाने में इतना अच्छा लगता है। फिर भी खाया है, अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा, अब चाहे जहाँ हो खाना खाना तो खाना ही है। तो चलो गाइस अभी बाहर जाते हैं, फिर बैंक में थोड़ा सा काम है, वो काम ख़त्म करते हैं, फिर चलो चलते हैं। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रूमन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज है 2 जून 2022। तो आज मैं घर जाने के लिए निकली हूँ। आज सुबह सुबह मेरी ट्रेन है, तो 7 बजे, इसीलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। उठ के तैयार होके नहा धो के बस मैं रेडी हो गई। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ने मेरे दोस्त चले जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, प्रियांशु भी जा रहा है। और अभी हम लोग चल पड़े गाड़ी लेके और चलते हैं स्टेशन। स्टेशन जाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस मेरी ट्रेन आ गई, अभी ट्रेन पे चढ़ने वाली हूँ मैं। वेलकम टू कोलकाता। तो गाइस अभी मैं उतर गई ट्रेन कोलकाता स्टेशन पे। ये रहा मेरा जलंधर से कोलकाता तक का सफ़र। चलो अब चलते हैं बॉर्डर। तो गाइस ये था मेरा ट्रेन जलंधर से कोलकाता, मैं आ गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलो बाहर निकलते हैं,
सामान लेके, एक हाथ में सामान और एक हाथ में कैमरा लेके वीडियो करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलो देखो आप लोग अकेला कितना कुछ करना पड़ता है। बाबा भींगे, वेलकम टू कोलकाता। दिस इज कोलकाता स्टेशन, दिस इज कोलकाता।